पोहरी में सरपंच संघ ने ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपा। खबर पोहरी से आ रही है। पोहरी जनपद प्रांगण में सरपंच संघ ने ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करते हुए जनपद सीईओ को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आ रही परेशानियों से अवगत कराया गया है। ज्ञापन सरपंच संघ अध्यक्ष केशव सिंह यादव फौजी के नेतृत्व में समस्त सरपंचों द्वारा दिया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि 1 जनवरी से सभी सामुदायिक मूल्य कार्यों पर 20 से ज़्यादा या कम लेवर होने पर NMMS उपस्थिति देना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में ग्राम पंचायतों में एक से अधिक कार्य संचालित हैं, ऐसे में उपस्थित लगाना संभव नहीं हो रहा है, जिसके चलते विरोध दर्ज कराते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के दौरान उपाध्यक्ष संजय अवस्थी, कोषाध्यक्ष मोहर सिंह धाकड़ सहित समस्त सरपंच मौजूद रहे। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज सरपंच संघ एकजुट हुए और एक ज्ञापन सौंपा है, सर क्या कुछ मांगे की जा रही हैं उनके द्वारा और क्या ज्ञापन में है वो दिया? सरपंच संघ द्वारा अभी अभी जो मेरे को ज्ञापन दिया गया, उसके अंतर्गत NMMS जो मोबाइल हाजिरी सिस्टम बोला जाता है, उसके लिए इन लोगों ने ज्ञापन दिया। ये उससे आहत हैं क्योंकि इनके द्वारा उस स्थल तक पहुँच के डेली मोबाइल हाजिरी नहीं लगाई जा सकती, ऐसा इनका कहना है। और अभी काफ़ी समझाने का प्रयास किया गया है इनको, लेकिन ज्ञापन में वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित कर शासन का जो निर्देश है।